हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और आ गया हूँ मैं आज एक नए वीडियो के साथ। और रात में क्या हुआ ना कि हम लोग रात में कुछ 2 या 2:30 बजे हम लोगों ने ये गाड़ी यहाँ पे हमारी जो है CT 100 जो अक्सर मैं बताया करता था, अभी हमने रूम में रख ली अंदर। यहाँ से मतलब इस ऐसे चढ़ा के लाए थे हम इसको। ये जो बाहर गाड़ी खड़ी हुई है इसके ऊपर 2-3 सीढ़ियाँ और है। इसको हमने पूरा प्रणव और मैंने ही हम दोनों ने पूरा उठा के आगे पीछे से इसको उठा के जैसे तैसे यहाँ पे रखी है। डबल स्टैंड पे भी लगा रखी है गाड़ी को। ज़्यादा टाइम हुआ नहीं मुंबई में, तो मैं अभी किसी पे ऐसा गाड़ी को लेके किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। मैंने पहले सोचा था कि कुछ लोग हैं थिएटर में जिनके फ्लैट मतलब अपार्टमेंट वगैरह में है, तो मैं उनके पार्किंग में जाके खड़ी कर सकता हूँ गाड़ी। पर फिर मैंने सोचा कि 2 मिनट ही लगेगा, गाड़ी में इतना ज़्यादा वेट भी नहीं है, तो हम लोग अगर रूम में रख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी देख सकते हो आप लोग, रात में भी मैंने इसे रखे, हमें सोने तक में प्रॉब्लम नहीं है। देखो इतनी इतनी जगह अभी भी खाली है, इतनी स्पेस अभी भी खाली है। और मैं आधा शरीर हमने नीचे रखता हूँ, सिर्फ सर बिस्तर पर रखता हूँ कि मुझे गर्मी होती है ना, तो मैं ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाता। सोते वक्त तो बिल्कुल भी नहीं कर पाता। रात में स्विगी पे भी नहीं गया, तो यहाँ से बाइक को उठा कर यहाँ पे ला कर यहाँ ला के और यहाँ रख दी थी। 1 महीने के लिए जाने पर अगर मैं किसी और को बाइक देता तो 6:30 पे हमारी ट्रेन है। तो अभी हम लोग उठे 2 बजे और अभी खाना वाना खा के हमारी ट्रेन कल्याण से इंदौर है। लास्ट स्टॉप ट्रेन का इंदौर ही होगा। मैं तो सुबह और 8:30 बजे सोया हूँ, तो बस अभी चलना है। पहले खाना वाना खा लेते हैं। लगा दे खिड़की, लगा दे। मैं दिखाऊंगा गाइस अभी आप लोगों को, हम मतलब जहाँ जा भी रहे ना खाना खाने, वहाँ पे मतलब 50 रुपये में ही खाना मिल जाता है, थाली मिल जाती है पूरी पूरी। तो मैं बताता हूँ अभी आप लोगों को, यहीं पास में मतलब हमारी गली के ज़्यादा बाहर नहीं है, ये गली से हम लोग ऐसे बाहर निकले और इस साइड है यहाँ पर ये रोड, ये यहाँ पर रोड पर ही आ जाता है। तो गाइस ये देख सकते हो आप लोग, ऐसी थाली होती है यहाँ पर 50 रुपये की है इसकी। और है ये गली ये रोटी बाद में मिलती है हमको। पंखे की बहुत घर घर आ रही होगी इधर। ये 50 रुपये की थाली होती है और इसमें ये सब रहता है, 3 रोटी होती है, साथ में 2 टाइप की सब्जी होती है, राइस होता है और दाल हो जाती है। देखो अंदर अंदर डालते हैं। अभी हम लोग खाना तो खा चुके हैं और साथ में अभी क्या है ना, खाना खाने के बाद मेरे को तो हमेशा मतलब मैं स्विगी जाने से पहले दूध पीता ही हूँ, और अभी तो दूध नहीं पी रहे हम लोग, छाछ ही पी रहे। जीरे वाला नहीं मिला यार, सब पानी पानी सा लग रहा है। ये बच्चे सही में क्या ही बोले। तो गाइस अभी हम लोग नहा धो के रेडी भी हो चुके हैं यहाँ पे। अभी हमने पैकिंग भी लगभग सब कुछ कर ही दिया है, और थोड़ा बहुत जो सामान है खाने पीने का, वो जैसे चने वगैरह हो गए हम लोग खाते रहते थे, तो अभी वो यहाँ पे 1 महीने रखे रखे सब ख़राब से हो जाएंगे, इसलिए हम लोग मेरे बैग में थोड़ी सी जगह है उसमें रख रहे हैं। अभी हम लोग गाड़ी तो देख ही सकते हो आप लोग, यहाँ रखी हुई है। इसका बैग भी यहाँ रेडी है, इसका बैग भी रेडी है। हम रिंग लाइट और ट्राईपोड भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि अभी उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है रील बनाने का प्रणव को, इसलिए वो तो अभी हम शायद ही अब नहीं कर सकते रिंग लाइट, इसलिए हम घर पर ही रख के आएंगे इसके घर पर। और बस अभी आधे घंटे में फटाफट निकलते हैं। तो गाइस कंधेच्चा वाट लागली भाई, बता बता क्या 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 मज़ा आ रहा है तेरे को, तो ये बता बस मुझे, बोल बोल। मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, ये ओला कर रहा है अभी। ये देखो इसके लिए बैग, देखो बैग इसके लिए। उनको पता है, मेरे को नहीं लगता, मेरे को नहीं लगती ओला। उनको पता है
मेरे कान में बोल के उनको क्या पता है? उनको सब पता है भाई, उनने सब देखा हुआ, पहले से देखा हुआ है मेरे को। अरे अभी पूछा है, बोले वर्सोवा मेट्रो कितनी दूर है? मैं यहाँ से कम 2 किलोमीटर तक पैदल चलना है, मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता है। ये ऑटो है या तो फिर इससे पूछ ले, पूछ। वापस के रास्ते में आएगा ना ऑटो तो ये क्या है? महंगे पड़ेंगे, सीधे डायरेक्ट बताएंगे तुम्हें कितना है। पूछने में क्या जा रहा है? फिर देख, बैठना तो वैसे ही है, फिर आगे पैदल चल के कोई मतलब नहीं है, फिर पैसे उतने ही लगने। देखना तो पड़ेगा कितने लग रहे हैं। अरे तो तू इधर पूछना। अरे ज़्यादा बताएंगे। हाँ वो तो सही बात है ना, वो क्यों देंगे। चलो सही बात है। अभी ऑटो मिल चुका है और मीटर के हिसाब से इसमें कुछ खर्चा लगेगा मेट्रो स्टेशन तक का। क्योंकि बस में क्या है ना, काफ़ी भीड़ होती है, इस कारण से जाती भी वो धीरे धीरे, तो ऐसे रास्ते में ट्रैफिक से होते हुए वो धीरे धीरे जाती है, इसलिए मैंने सोचा मेट्रो से जाना चाहिए था। बैठने के लिए जगह भी मिल जाएगी, क्योंकि वर्सोवा से स्टार्ट होती है आके मेट्रो। था जब मेरे को, जब भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई मिस तो करेंगे, एग्जाम भी जरूरी है। हाँ वो भी है, एग्जाम जरूरी है, एग्जाम एक बार हो जाएगी मिस भी है, बस फाइनल एग्जाम, फिर उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है। गाइज हमारे मेट्रो के 40 रुपये लगे, 20 रुपये इसके, 20 रुपये मेरे और ऑटो में लगे हैं, 30 रुपये वर्सोवा चौराहे से यहाँ मेट्रो तक। कैश पेमेंट ले रहे थे वो लोग, ऑनलाइन नहीं ले रहे थे। अभी देखो मेट्रो तक पहुँच चुके हम। आएगी मेट्रो, मेट्रो हाथ देना पड़ेगा। हाँ हाथ देना पड़ेगा ना, तो आगे तो जा रहे हैं। हाँ वही हाथ देने के लिए, तो घूमना तो नहीं पड़ेगा सामने, हो भी सकता है, कोई भरोसा नहीं। ये भाई ये तेरी रिंग लाइट पे भाई, यार बैठने तक की जगह नहीं है क्या इधर? अली अली मेट्रो वाली अंधेरी जाएगी भैया, कुछ 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 स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉर्ड। खुल गया सिम सिम, ठंड का एहसास, ठंड का एहसास। उधर बोले भाई जाए, उतारना पड़ेगा। देख लो गाइस, मैं भी दूसरी बार देख रहा हूँ मेट्रो को। एक बार जब बैठा था, जब सेकेंड हैंड बाइक देखने गया था मैं, उसके बाद तो पता चल गया था कि सेकेंड हैंड बाइक मुंबई से नहीं ले सकते। आधार कार्ड तुम्हारा और सारे डॉक्यूमेंट, जहाँ परमानेंट एड्रेस होता है वहीं से ले सकते हो तुम, कोई सी भी गाड़ी हो, नई भी होती, मैं नई भी नहीं ले सकता था। उसी बाइक वाले ने बताई थी जहाँ से मैं बाइक लेने गया था, फिर मैं वापस आ गया था, मैं घाट को ऊपर गया था जब। हाँ खतरनाक, ए सी चलती पूरे पूरे मेट्रो में ही, लाइन से ए सी चल रही।
मेट्रो में लगा ही होगा। सीट भी इसकी स्टील की होती है, जैसे वाली वाली की नहीं होती, स्टील की पूरी। वो पूरी मेट्रो जितने भी डब्बे सारे के सारे एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए, कहीं भी जा सकते हो, पूरी मेट्रो में कहीं भी जा सकते हो। बैग इतने मोटे मोटे, मेरा ये बैग वापस इतना वैसे ही मोटा हो गया जैसे जब मैं शुरुआत में आया था। एक हाथ में रिंग लाइट और एक हाथ में ये बैग लेके चलना पड़ रहा है। उसके हाथ में एक उसका बैग है और लैपटॉप का बैग है। उसका गरीब भी बना रह गया, जूता फट रहा है मेरा घूमने में से। मेट्रो चाली चाली, मेट्रो चाली। पूरा आसमान ही भर गया भाई। अगर गाइस हम लोग अंधेरी स्टेशन, रुक 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 मेरी बात, अपने को लोकल साइड चलना है ना, लोकल स्टेशन पे चलना है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ मेट्रो से उधर के लोकल पे आ चुके हैं। अभी ये पटरी पार करके उस साइड जाना है। फ्लैट नंबर प्लेटफॉर्म नंबर हम 7 पे आ गए थे, 5 पे जाना है हमको, इसलिए अभी हम लोग इस तरफ जाएंगे, सेफली जाएंगे यहाँ से घूम के यहाँ से। कहाँ गए? भाग 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 भाग। अंधेरी आई क्या ट्रेन है? अरे उधर ही आदमी आ रहा, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। हो गई जिम, हो गई फ्री में, फ्री में हो गई जिम, हो गई फ्री में। शोल्डर बन गया, इतना भी नहीं लग रहा है। तेरे इसमें इतना वजन नहीं है ना बैग में, नहीं होगा तो फिर वो एक बात अलग है। मेरे बैग में बहुत वजन है भाई, एक एक किलो चने, ओट्स 1.5 किलो, उसके अलावा मेरा खुद का भी सामान बहुत कुछ है। डंबल से रोटी वो है तो सही। गाइस अभी हम लोग फाइनली दाउद एक्सप्रेस में बैठ चुके हैं और ट्रेन थोड़ी लेट होने के कारण हमें टाइम लग जाएगा, कुछ 9-9:30 के आसपास टाइम लग जाएगा हमें पहुँचने में इंदौर। मेरे लिए भी है ना, खींचना उसको, उसको खींच के देखना चल रहा है ना। हैं चाबी, चाबी नहीं है, छेद कर ले उसमें, चाबी से छेद कर, चाबी है ना। गरम हो गया, ले ले। क्या गरम हो गया? बहुत बढ़िया। तो गाइस अभी थोड़ा सा पेट में कुछ थोड़ा बहुत आहार तो डाल लिया है। मुंबई से इंदौर पहली बार जा रहा हूँ मैं, बड़ी ख़तरनाक बिल्डिंग है यार, शायद दिख रही हो आप लोगों को, ऊपर तक जा रही हो वो पूरी। असली आंखों से देखे तो सामने के सामने और ज़्यादा ख़तरनाक लग रही है। वाह। तो गाइस मैं घर से मतलब सोच के आया था कि पूरे सफ़र में अभी क्या करना है, कि मैं पढ़ूंगा जो स्क्रिप्ट हैं, कहानियां हैं, देखता हूं मैं कितनी पढ़ पाता हूं। तो अभी मैं पूरे सफ़र में बस ये करूंगा कि वैसे भी रात में सोने की तो मुझे आदत है नहीं, कल भी रात भर पूरी रात जगा था और सुबह 8:30 बजे सोया था। रात में क्या अब ऐसी आदत लग चुकी है कि रात में अब बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। 14 घंटे का कुछ सफ़र है, कुछ पढ़ लेता हूँ क्योंकि पढ़ने का टाइम मुझे बहुत कम मिलता है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ सूरत आ चुके हैं, सूरत। तो पीछे भीड़ इतनी जमा हो गई है। तो गाइस अभी बात करते करते सुबह हो चुकी है और अभी हम लोग
थोड़ी देर के लिए भी हमने सोने के नाम पे आंखें तक बंद नहीं किए और यहीं पे बैठे हुए थे जब से, पूरे पूरे टाइम हम यहीं पे बैठे हुए थे, थोड़ा थोड़े टाइम अंदर बैठे हुए थे, बाकी टाइम यहाँ पे बैठे हुए थे। बाकी अभी हम बमनिया नाम की कोई सी जगह है, बामनिया नाम की जगह है, वहाँ पे अभी पहुँच चुके। और अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम अभी 5:40 हो रहे हैं और हमको अभी पहुँचने में कम से कम चार घंटे और लग जाएंगे। अभी ट्रेन रास्ते में रुकी हुई थी तो मैं नीचे उतर गया। चलती ट्रेन से बैग के दिखा पाऊँ ना, ये देख सकते हैं उगता हुआ सूरज देखा। पहली बार मैंने इतनी फ्रेश, मतलब बहुत टाइम बाद, हाँ सही में बहुत टाइम बाद, मतलब इतनी फ्रेश सुबह देखी, क्योंकि मुंबई में तो नहीं देखने को मिलती है, सही में नहीं देखने को मिलती है। चारों तरफ बस लाइटें, धुआं, यही सब होता है। हेयर स्टाइल बन गई मेरी एक नंबर, हवा में शुद्धि है, शुद्धि वही तो भाई। मतलब मेरे ख्याल से मैं लंबे बालों से, लंबे जो बाल थे उससे ज़्यादा भी छोटे वाले में ज़्यादा सही लग रहा हूँ, मेरे को भी अब ऐसा लग रहा है। गाइस कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। गाइस रात के 8:30 बज रही है, हम लोग इंदौर जंक्शन से हमने ऑटो कर लिया था 10 बजे, और मतलब 10 बजे तक फिर हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे प्रणव के घर। और अभी देख सकते हो आप लोग, मैं अभी प्रणव के घर पे ही हूँ। 7:12 पे उठे थे, तो मैं उठते से मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि सुबह हो रही है, मेरे को ऐसे लगा कि सुबह हो रही है। मैंने टाइम देखा, अभी भी तारीख 2 ही दिखा रहा है। और मैं बाहर आके इधर यहाँ पे गेट से, इस वाले गेट से यहाँ से और यहाँ इधर बाहर साइड आया, जब मेरे को पता चला कि अभी तो पूरी रात ही है, तो अभी पूरी रात के माहौल था, तब मेरे को समझ में आया कि नहीं अभी अपन रात में। तो मैंने पूछा भी था प्रणव से कि अपने को सोते सोते कितना टाइम हो चुका है, पर हमको कुछ ही घंटे हुए थे, कुछ 4-5 घंटे ही हुए थे। तो फिर मेरे को समझ में आया कि हम जल्दी उठ गए, मेरे को ऐसा लगा कि हम पूरे सो रहे हैं। 12 बज गई है रात की, 2-3 सब बज गई और इधर सुबह 7:30 बजे, ऐसा लगा मेरे को। तो फिर मैंने कहा नहीं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, मतलब हम इतना कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का काम फटाफट कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक्सटर्नल है हमारे। बताता रहूँगा मैं आप लोगों को आगे की चीज़ें और क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है। चलिए जब तक के लिए बाय।